सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि वो लोग सोचते हैं कि भारत एक गरीब देश है। शायद स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म देखकर उन्होंने यह धारणा बना लिया। उनको मुकेश अंबानी का घर और यहाँ पर होने वाली बड़े विवाह कार्यक्रम भी दिखाना चाहिए। विदेशियों का ये मानना है कि भारत में सभी भारतीय वेजिटेरियन हैं। हाँ, शाकाहारी खाने वालों की संख्या ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ सभी वेजिटेरियन हैं। भारत में रहने वाले विदेशी भारत के बारे में क्या सोचते हैं, इसका अंदाजा इंटरनेशंस के सर्वे के नतीजों से लगाया जा सकता है। कहते हैं कि भारत में हर 100 किलोमीटर के बाद भाषाएं बदलती हैं। यहाँ पर प्रांत हर गांव की अपनी भाषा बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि विदेशी पर्यटक यहाँ नहीं आते, वह आए भी और उन्होंने यहाँ का भरपूर आनंद भी लिया है। लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं, वह पर्यटक हैं जिनके पास भारत के लिए बहुत सी गलतफहमी है। कई विदेशी लोगों के लिए भारत एक रंगीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक देश है। यहाँ पर उत्तर में हिमालय, दक्षिण भारत में हरे भरे मैदान, सुंदर और मंत्रमुग्ध करने वाले समुद्र, महल, किले, मंदिर और संग्रहालय विदेशी पर्यटकों की भारत में दिलचस्पी को और बढ़ा देते हैं। इन्हीं वजहों से एक विदेशी अब मेहनत की कमाई को आर्थिक रूप से भारत में यात्रा के लिए खर्च करता है। हर साल भारत में कई विदेशी पर्यटक भारत की यात्रा पर आते हैं। यहाँ आकर न केवल भारतीय संस्कृति बल्कि इतिहास से जुड़ी चीजों को जानने में उनकी बड़ी दिलचस्पी होती है। विदेशियों को भारत के बारे में सबसे अच्छी बात लगती है यहाँ के लोगों का व्यवहार। 41% लोगों ने कहा कि भारतीय संस्कृति के साथ सामंजस्य बिठाना सबसे आसान काम है, और केवल 10% विदेशियों ने कहा कि विदेशियों के प्रति भारतीयों का व्यवहार दोस्ताना नहीं है। लेकिन समस्या है जिंदगी की गुणवत्ता। मसलन स्वास्थ्य सेवाओं से विदेशी बहुत नाखुश है। हालांकि 71% प्रवासी कहते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हैं, लेकिन 26% कहते हैं कि बहुत खराब है। इस सर्वे में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत को 67 देशों में 59वां रैंक मिला है, और इसकी एक बड़ी वजह प्रदूषण भी है। सर्वे में भाग लेने वाले 28% प्रवासियों ने कहा है कि भारत में पर्यावरण बहुत ज्यादा खराब है। विदेशी पर्यटकों का मानना है कि जैसे ही हम उत्तर की ओर जाते हैं वहां की त्वचा लाइट होती है, और हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो वहां की त्वचा बहुत ही डार्क होती है। इन लोगों को यह समझने की जरूरत है कि यहाँ दोनों जगह एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। क्या उन्होंने बॉलीवुड नहीं देखा क्या, जहाँ सुंदरता झलकती है? सुरक्षा भी प्रवासियों के लिए भारत में चिंता का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। 44% प्रवासी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। वैश्विक स्तर पर केवल 33% प्रवासी विदेश में सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण जिंदगी। भारत में रहने वाले 89% प्रवासी मानते हैं कि भारत में जिंदगी शांतिमय नहीं है। विदेशी भारत में अपने बच्चों को नहीं लाना चाहते। हालांकि उन्हें समाज से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि 78% प्रवासी कहते हैं कि भारतीय हमारे परिवारों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन 42% कहते हैं कि भारत में उनके बच्चे स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। बच्चों की सेहत का स्तर कैसा है, इस सवाल का जवाब एक प्रवासी ने बहुत अच्छा नहीं दिया, और केवल 55% अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हैं। वैश्विक स्तर पर 75% प्रवासी माता पिताओं को अपने बच्चों की सुरक्षा चिंता नहीं है। बहुत से देशों की तरह भारत में भी मौसम बदलते रहते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि उनका यह मानना गलत है कि भारत गर्म देश है। हमें विदेशियों को सर्दियों के मौसम में बुलाना पड़ेगा ताकि वह जान सके कि भाई हमारा देश एक गर्म देश नहीं है, यहाँ भी ठंड है। भारत में रहने वाले विदेशियों में से एक भी माता पिता ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हों, लेकिन एक मामले में भारत वैश्विक औसत से ऊपर है। शिक्षा की गुणवत्ता में 38% प्रवासी माता पिता भारत को अच्छा मानते हैं। वैश्विक स्तर पर यह औसत केवल 21% है। पूरी तरह यह समझना गलत है, यहाँ सिर्फ एक ही धर्म है। शायद उन्होंने यह नहीं देखा यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म आदि सभी मिलजुल कर रहते हैं, और यही भारत की विशेषता भी है। चाहे कुछ भी, यहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। 25% लोग ऐसे हैं भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति को खराब बताते हैं। काम करने के मामले में भी भारत की स्थिति औसत ही है। 55% लोग अपने करियर को लेकर संतुष्ट हैं। वैश्विक स्तर पर भी 55% लोग ही हैं जो विदेशों में अपने करियर से संतुष्ट हैं।
लेकिन भारत में काम के घंटे विदेशों से कहीं अधिक है। भारत में रहने वाला प्रवासी हर सप्ताह 46.2 घंटे औसतन काम करता है। वैश्विक औसत 44.6 घंटे का है। यहाँ वे हर छोटे से छोटे पर्यटन स्थलों के भोजन, संस्कृति और इतिहास का आनंद लेने से नहीं चूकते। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गोवा ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन जगहों को देखने के बाद ये लोग इनकी तारीफ करते नहीं थकते। भारत को पसंद करने के पीछे एक बड़ी वजह यहाँ का जीवन सस्ता होना भी है। 68% लोगों ने कहा कि वे जरूरत से कहीं ज्यादा कमा लेते हैं। वैश्विक स्तर पर ऐसा केवल 48% लोग कह पाते हैं। इस वजह से पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स कैटेगरी में भारत का 9वां स्थान है और कॉस्ट ऑफ लिविंग कैटेगरी में 15वां। भारतीय संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारी समृद्ध संस्कृति से पूरी दुनिया प्रभावित है। हमारी संस्कृति भौगोलिक विशेषताओं की तरह बहुत विविध है। भारत एक त्योहारों का देश है। यहाँ भिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। पंजाब में बैसाखी, हिमाचल में फुलैच, हरियाणा में साझी, उत्तर प्रदेश में लठमार होली, केरला में ओनम, तमिलनाडु में पोंगल या असम में बिहू काफी उल्लास से मनाए जाते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोग जैसे मुख्यतः हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई धर्म के लोग एकता के साथ जीवन यापन करते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाना पकाने का ढंग उनकी संस्कृति के अनुसार अलग अलग है। दक्षिण में जहाँ इडली और डोसा प्रसिद्ध है, वहीं उत्तर के लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग खाते हैं। इस देश में हर 15 किलोमीटर की दूरी पर भाषा और बोलने का ढंग बदल जाता है। यदि आप लोगों के पोशाकों पर ध्यान दें तो उसमें भी विविधता दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए पंजाब की महिलाएं अधिकतर समय सलवार कमीज पहनती हैं, जबकि महाराष्ट्र की महिलाएं लावणी साड़ी पहनना पसंद करती हैं। विदेशी यात्रियों में ईसा से 300 साल पहले भारत आए यूनानी राजनयिक मेगास्थनीज का नाम सबसे पहले आता है। मेगास्थनीज भारत में मौर्य राजवंश के उदय के चश्मदीद थे। उनकी किताब इंडिका के सुरक्षित बचे कुछ अंशों ने भारत के इतिहास पर बड़ी धुंध हटाई। इंडिका के हवाले से तमाम इतिहासकारों ने समय समय पर भारत के बारे में लिखा। इससे उस समय के भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की तस्वीर बनाने में मदद मिली। इस किताब से 2500 साल पहले के भारत के भौगोलिक रूप का भी पता चलता है। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन, सैन्य शक्ति और मगध की संपन्नता को विस्तार से बताया गया है। मेगास्थनीज ने उस समय के भारतीय समाज में 7 वर्ग देखे। ये थे दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिकारी, व्यापारी, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज के बाद सन 403 में भारत आए दूसरे सबसे मशहूर विदेश यात्री फाहियान। कहते हैं कि अगर फाहियान आंखों देखी लिखकर ना रख गए होते तो भारतीय इतिहास में बहुत कुछ आज भी रहस्य ही बना रहता। फाहियान की यात्रा के समय भारत के बड़े भूभाग पर गुप्त राजवंश का शासन था। ये वह दौर था जब चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने में लगे थे। वैसे तो फाहियान बौद्ध साहित्य लेने यात्री बनकर भारत आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ और भी बहुत कुछ देखा। उनके यात्रा वृत्तांत आज प्राचीन भारतीय इतिहास के बेहद खास दस्तावेज हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को अलग अलग धर्मों का पालन करने की पूरी छूट थी। उन्होंने राज्य के सिक्कों पर देवी देवताओं की आकृतियां देखने की बात भी लिखी। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में उस समय के दंड शास्त्र का भी जिक्र किया है। इन्हीं तथ्यों के विश्लेषण से इतिहासकार आज उस समय का खाका खींच पाए। फाहियान की कई बातें इतनी चौंकाने वाली थी कि आधुनिक पुरातत्ववेत्ताओं ने बकायदा उनकी जांच पड़ताल भी की। मसलन भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने ब्रिटिश राज में फाहियान के दस्तावेजों के आधार पर कई जगह पुरातात्विक खुदाई करवाई। इनमें मिले सबूतों से फाहियान की लिखी तमाम बातें पुख्ता हुई। कहते हैं कि अगर फाहियान का लिखा सुरक्षित ना होता तो भारतीय इतिहास के उस स्वर्ण काल के कई अहम पहलू खोजने में लंबा वक्त लग जाता। फाहियान के कोई 250 साल बाद भारत की धरती पर एक और चीनी यात्री आया, ह्वेनसांग। वह भी बौद्ध ग्रंथों की खोज में ही भारत आए थे। उस समय पुष्यभूति राजवंश के सम्राट हर्षवर्धन का राज था। सन 630 में भारत आए ह्वेनसांग यहाँ 14 साल रहे। शायद इसलिए वह उस वक्त के भारत के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को विस्तार से लिख पाए।